जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं एकादशी पर गीता का यह अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध प्राप्त के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह आठ प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हम ही से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागे में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में जो पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत गर, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे समुच्चय ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुरुमयी और दिव्य माया अत्यंत सुंदर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते, हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझमें एकाग्र चित्त और केवल मेरी, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि सब भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझमें ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान, मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। उनके जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। सब जगत को वासुदेवमय समझे, अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूब कर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्राद्ध को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल
नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मन बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसमें मूढ़ लोग अन्न आदि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परतम, इच्छा और द्वेष उत्पन्न होने वाले सुख दुखादि द्वंद्वों के मूल से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद के मोह से छुटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जीवन मरण के दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो आदिभूत अधिधीव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। श्री नारायण जी बोली, हे लक्ष्मी, अब सातवीं अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नाम का नगर था जिनमें शंकुकुल वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकुल को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने दसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मरा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प दशे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि करवा दो। ऊंट के आटे का पुतला बनाया, चुनिया चढ़ाई, जैसे विधि किया। बहुत ब्राह्मण जी माए श्रद्धा पिंड पत्तल करवाया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल चलते हैं। वहां ले जाकर खड़ा किया, देखा तो वहां एक बामी है जिसे कंदलों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहां से एक सर्प निकला, कहा, तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व का कर्म था जो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिसे मेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से तेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, तीन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह छूटकर देव देह पार विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन धन करता बैकुंठ धाम में जा पहुंचा।